हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों. आज है 26 जुलाई 2017 और अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज के कुछ करंट अफेयर्स और साथ में कुछ पीएबी की न्यूज़. तो चलिए देखते हैं पहली न्यूज़ क्या है. पहली न्यूज़ है वो ने भारत के जो नए राष्ट्रपति भी रिसेंटली बने हैं रामनाथ कोविंद, उन्होंने अपनी शपथ ग्रहण समारोह के बाद देश के कुछ डाइवर्सिटीज़ के बारे में, देश की जो कुछ इम्पोर्टेंस पावर है उन सहिष्णुता काफ़ी चीज़ों को इंक्लूड करते हुए और जो इंडियन जो भारत की जो विविधता में एकता वाला जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में कुछ बातें बताई जो मेनली ऐसे के लिए इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट हो सकती हैं, जिनके बारे में देखते हैं उन्होंने क्या क्या कहा. क्योंकि यूपीएससी नॉर्मली ऐसे ऐसे पॉइंट लिखने पर थोड़ा फ़ायदा होता है एग्जाम में, तो उन्होंने जो बहुलतावाद और जो इंडियन यूनिटी जो मतलब इंडिया की मैन पावर है ऐसे कीवर्ड हैं ये हमें एग्ज़ाम में लिखने चाहिए जिसकी वजह से हमें काफ़ी मतलब मार्क्स में प्लस पॉइंट रहता है. और उन्होंने कहा कि जो इंडियन हमारी जो डाइवर्सिटी है वही हमारी कोर है और इसी वजह से हमारे में यूनिकनेस आई है. अगली न्यूज़ है वो है जब गुजरात एंड राजस्थान में फ्लड आ रही है उससे रिलेटेड न्यूज़ है. तो न्यूज़ में तो इतना कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट, बट जो मेन इसमें इम्पोर्टेंट थिंग है वो है कि इसके बाद में जो जब भी कोई डिजास्टर आता है मतलब प्राकृतिक आपदाएं वगैरह आती हैं तो उसके लिए कौन सी अथॉरिटी है, कौन सी बॉडी है, वो क्या काम करती है. तो इसके लिए है जो मैन लिए वो NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, वो बॉडी है ये इसके लिए काम करती है फ्लड वगैरह के लिए जब भी कोई प्राकृतिक आपदा आती है, कहीं आग लगना कोई भी केसेस होता है उसमें. और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट वो है कि जो मिनिस्ट्री कौन सी है, क्योंकि UPSC मिनिस्ट्री के ऊपर काफ़ी कौन ध्यान देती है, तो ध्यान रखना मिनिस्ट्री इसमें होम अफेयर्स जो मिनिस्ट्री है वो है. और जो इसका मेन पर्पज है वो है कोऑर्डिनेट करना है जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाता है कहीं भी, तो लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करके मतलब उनको बचाव राहत प्रोग्राम चलाती है इसके साथ साथ. अब NDMA के ऊपर अगला क्वेश्चन ये बनता है कि NDMA बनी कब थी आखिर. 2005 में जब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के लिए एक एक्ट बनाया गया था जिसे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कहते हैं, उसी के तहत इसको बनाया गया था. और उसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो प्रीपीएससी का फेवरेट होता है प्रीलिम्स के लिए कि इसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन कौन होते हैं, वो इसके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, आती है होम मिनिस्ट्री के अंदर, और जो उसके चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं PM. अब जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो स्टेट के साथ भी मिलकर काम करती है, क्योंकि जब भी कोई आपदा कुछ भी आ रही है तो ऑब्वियसली स्टेट के अंदर वो स्टेट में ही आएगी, सेंटर तो पूरे एक यूनियन टाइप में होगा ना, तो इसीलिए जब भी ये स्टेट के साथ मतलब जुड़ के काम करती है कोलेबरेट करती सॉरी स्टेट के साथ जुड़ती है और फिर उसके साथ काम करती है. और यह ध्यान रखना कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो एक अपेक्स बॉडी है. इसके साथ ही आता है NDRF. अब देखते हैं NDRF क्या है. नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी है ये तो उन्होंने एक अथॉरिटी बना दी गवर्नमेंट ने, अब इसके बाद इसमें एक टास्क फोर्स भी होनी चाहिए जो कुछ काम करे. इसी के लिए गवर्नमेंट ने एक फोर्स बनाई जिसे नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स कहते हैं. यह जब भी कोई डिजास्टर आता है उसके टाइम पे जो भी लोगों की आर्मी जैसे फॉर एग्जांपल जब से लास्ट ईयर जम्मू कश्मीर में बाढ़ आई और तमिलनाडु में पिछले साल बारिश आई वो बाढ़ आई थी, तो उसके जवान जब भी आर्मी जाती है तो किसके थ्रू भेज जाती है, वो NDRF पहले NDRF उसको भेजती है, और उसके बाद जब अगर ज़्यादा ज़रूरत होती है तो इंडियन आर्मी का यूज होता है. तो होम मिनिस्ट्री के अंदर के जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेज आती हैं वो सब सारी सारी मतलब नॉर्मली इसी के अंदर यूज़ की जाती हैं. और जो एक्ट है वो दोनों के लिए सेम है, क्योंकि मेन जो बॉडी है वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ये तो केवल एक फोर्स है जो उसके अंदर काम करती है. अब इसके जो नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री तो ऑब्वियसली सेम ही है, और जो उसका हेड होता है वो होता है एक IPS होता है डायरेक्टर जनरल बोलते हैं जिससे, तो इससे ये ध्यान रखना है कि अपने जो UPSC की एग्ज़ाम से ही जो IPS मिलते हैं वो इसके हेड होते हैं. अगली न्यूज है वो हाई कोर्ट ने तमिलनाडु हाई कोर्ट ने अभी वहाँ पे वंदे मातरम जो अपना संगीत है उसको लेके न्यूज़ आई. तो ये भी जो मद्रास हाई कोर्ट है उन्होंने अभी वहाँ पे एक या PIL जारी की गई थी, तो उसके एवज में उन्होंने ये मतलब अपना डिसीजन सुना है कि जहाँ जो भी स्कूल कॉलेज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं वहाँ पे वीक में 2 बार एटलीस्ट वंदे मातरम का अनाउंस मतलब वंदे मातरम को अनाउंस यूज़ किया जाना है, जरूरी गाना जरूरी है. और इसी के साथ साथ जो भी प्राइवेट ऑफिसेज वगैरह हैं गवर्नमेंट ऑफिस हैं वहाँ पे महीने में एक बार के लिए उन्होंने अलाउ किया है.
और इसके लिए गुम जो भी सॉरी जो मद्रास हाई कोर्ट है उसने डिसीजन दिया है कि अगर जो लोग संस्कृत और बंगाली में कंफर्ट नहीं है उसके लिए इसे तमिल में ट्रांसलेट किया जाए, क्योंकि इससे देश की देश में यूनिटी बढ़ेगी, लोगों में देशभक्ति की नेशनलिज्म की भावना सामने आएगी, जिससे देश में जो जो भी टेररिज्म की एक्टिविटीज़ होती हैं उनको उनसे उनसे राहत मिलेगी, तथा जो भी युवा पीढ़ी है उसको रास्ते से भटकने का मौका नहीं मिलेगा। ये सब बातें की गई हैं। और इसमें जो है हाँ ये जो ये तो इतनी याद जरूर इम्पोर्टेंट नहीं है कि किसने जनहित याचिका जो PIL जारी की गई थी, ये वरामामी जो एक वहाँ पे स्टूडेंट था उसने कुछ एग्ज़ाम हुई थी उसमें PIL एग्ज़ाम में कुछ इसके बारे में लिख दिया था, मतलब वंदे मातरम के बारे में, तो तब लोगों तब उन्होंने टीचर्स वगैरह ने उसको मार्क्स वगैरह को लेके उसे था उसी के एवज में उसने PIL जारी की और उसके बाद ये हुआ। अब इसमें इम्पोर्टेंट ये है, ये अपनी जो ईयर बुक है उसमें भी है कि जो कोई काफ़ी बार पूछा था लोगों को कन्फ्यूज रहता है कि वंदे मातरम को लिखा किसने था, तो ये ना बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। तो आप लोगों को ये बताना है कि ये लिखा कब गया था, पहली बार कब गाया गया और कब लिखा गया था। अब इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के सॉरी हाई कोर्ट के इस डिसीजन के बाद कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट भी हैं। नेगेटिव पॉइंट ये हैं कि ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में लिखा हुआ तो है नहीं कि ये हमें गाना जरूरी है या नहीं है, तो इसलिए गवर्नमेंट इसमें फोर्स कैसे कर सकती है, क्योंकि देशभक्ति की भावना है वो तो लोगों के मन में आनी चाहिए, जब तो लोगों के मन में नहीं है कि तो गवर्नमेंट फोर्सफुली थोड़ी कुछ करवा सकती है, तो उसी के लिए है। तो पॉजिटिव पॉइंट भी है और नेगेटिव पॉइंट भी है। अगली न्यूज है वो है कर्णन की पिटीशन के बारे में है। अभी जो नए अपने राष्ट्रपति बने रामनाथ कोविंद जी, उनके शपथ ग्रहण समारोह के जस्ट बाद कर्णन के जो एडवोकेट थे उन्होंने अपनी पिटीशन कर्णन की तरफ से पिटीशन जारी की कि वो क्षमादान के लिए मतलब माफ़ी माफ़ीनामे के लिए। तो अभी हम थोड़ा देख लेते हैं कि राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्तियाँ हैं वो क्या क्या होती हैं। ये राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्तियाँ होती हैं कि जो है कोई भी दंड हो उसको पूर्ण तरीके से माफ़ कर सकता है, तथा जब भी राष्ट्रपति क्षमादान की पावर का यूज़ करता है तो उसे अपनी एडवाइस लेनी पड़ती है जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट हो उसे कि हाँ वो मतलब एक वैलिड, ऐसे नहीं है कि किसी पार्टी वो पार्शियलिटी करके किसी को क्षमादान कर दे और किसी को क्षमादान नहीं दे सकता। ये राष्ट्रपति की मनोयोग शक्ति, कोई इस पर कंपल्सरी नहीं है कि राष्ट्रपति किसी को क्षमादान देगा ही देगा, बस केवल उनसे रिक्वेस्ट की जा सकती है, ये कोई इतना है नहीं कि हाँ उन्हें देना है, ज़रूरी ही है। उसके बाद राष्ट्रपति एक दूसरी पावर होती है वो होती है लघुकरण, जिसमें राष्ट्रपति जो दंड की जो स्वरूप होता है जो फॉर्मेट होता है उसको कम कर देता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी को फांसी की सज़ा सुनाई गई है तो उसको राष्ट्रपति ये कर सकता है कि उसको कठोर कारावास वगैरह की सज़ा दे सकता है, मतलब जो प्रगति है वो कम कर दी, कि फांसी की सज़ा थी उसको फांसी की सज़ा से हटा दिया, दूसरी सज़ा दे दी, ये होती है। अगली न्यूज है वो हाई कोर्ट के जजों के अपॉइंटमेंट को लेके हैं। आज की न्यूज़पेपर में कि जो भी लॉ मिनिस्ट्री अपनी उन्होंने 35 कैंडिडेटों के नाम दिए हैं जो भी हाई कोर्ट के जजों को अपॉइंट हाई कोर्ट के जजों के लिए, ताकि उन्हें गवर्नमेंट वो मतलब जो अपनी कोलिजियम सिस्टम है उसके तहत उनको अपॉइंट किया जाए। तो अभी देखते हैं कि इंडिया में क्योंकि जजों की अपॉइंटमेंट के लिए पहले NJC आने की बात थी, उसके बाद NJC को सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड दे दिया कि वह कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध मतलब उल्लंघन करती है। अभी से देखते हैं कि कोलिजियम सिस्टम आखिर है क्या इसमें। कोलिजियम सिस्टम वैसे 1990 में आया था, यह जजों की जो भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज होते हैं उनको अपॉइंटमेंट और उनकी ट्रांसफ़र के लिए आया था, और इसमें अभी जो रिसेंटली है वो हाई कोर्ट के जजों की अपॉइंटमेंट का इश्यू है। तो हाई कोर्ट के जज हैं उसको अपॉइंट करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो स्टेट के गवर्नर हैं वो और उनकी एडवाइस से प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करता है। अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट का ही है, हाई कोर्ट के जजों उनको भी अपॉइंट प्रेसिडेंट करता है और सुप्रीम कोर्ट के जज दोनों को सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करता है, ये इसमें इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद जो हाई स्टेट सॉरी हाई कोर्ट का जो मुख्य न्याय मुख्य जज होता है उसको अपॉइंटमेंट है वो उसको अपॉइंटमेंट भी प्रेसिडेंट ही करता है। उसके बाद जो बाकी जजेज होते हैं उनको एडवाइस के अकॉर्डिंग मतलब हाई कोर्ट के जज की एडवाइस जो हाई कोर्ट सॉरी जो बाकी स्टेट के जो बाकी हाई कोर्ट के जजेज होते हैं उनको अपॉइंट करने के लिए जो स्टेट का जो मेन जज होता है उनकी एडवाइस से अपॉइंट किया जाता है, राष्ट्रपति ही अपॉइंट करता है।
1998 में 3 जजेस केसेस आया था। उसके बाद उसमें इशू ये रहा था कि जब जो भी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से जो भी मतलब अनुमति ले एडवाइस लेनी होती है उसमें केवल अकेले से, क्योंकि 2 लोगों को और भी ऐड करना मतलब बाकी लोगों भी होना चाहिए, वो तो अकेले का हुआ तो वो एडवाइस कहाँ हुई, वो तो फिर कंपल्सरी हो गया। तो इसके लिए ये प्रावधान किया गया 1998 में 3 जजेस केसेस में कि 2 सीनियर मोस्ट जजेज होंगे उनकी एडवाइस लेके ही मुख्य जो चीफ जस्टिस है वो मुख्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको अपॉइंट करना है बाकी लोगों को। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो डायरेक्टली किसी अपॉइंट नहीं कर सकते, सॉरी वो डायरेक्टली एडवाइस नहीं दे सकते, वो अपने 2 सीनियर मोस्ट जजेज हैं उनसे उनको पहले परमिशन मतलब उनसे उनको डिस्कस करना होगा, उसके बाद ही वो अपनी एडवाइस दे सकते हैं। ये 1998 के 3 जजेज केसेस में आया था, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, यूपीएससी पूछ सकती है क्योंकि काफ़ी सालों से जैसे फिलहाल 2 सालों में लगातार एनजेसी का केस इश्यू था, तो अब लगता नहीं कि एनजेसी तो यूपीएससी पूछ पाएगी क्योंकि एनजेसी तो ऑलरेडी इनवैलिड करा दे दिया गया है। अब अगली न्यूज़ जो है श्रीलंका में हम्बनतोता पोर्ट के लिए, जो चाइना इसे डेवलप कर रहा था और ये पोर्ट है ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का उसका एक पार्ट था, और जो 21st सेंचुरी का जो मेरीटाइम सिल्क रूट है वो इसी उसी वो मतलब इसी से होके जाता है। तो अभी देखते हैं ये इसकी लोकेशन क्या है थोड़ी। हाँ ये रहा मैप, रुको ये हम्बनतोता पोर्ट है, ये श्रीलंका में जस्ट नीचे साउथ की साइड यहाँ पे है और यहाँ इसको चाइना डेवलप कर रहा है। स्टार्टिंग में इसको चाइना ने स्टार्ट किया था बट उसके बाद कुछ कंसर्न उभर के आ गए थे जो यहाँ की गवर्नमेंट है श्रीलंका की गवर्नमेंट और चाइना में, जिसकी वजह से इसका काम बीच में रुक गया था। अब वापस उनमें समाधान हो गया उन बाद जो भी इश्यू थे उनका, और उसके बाद वापस इस पोर्ट का काम शुरू हो गया है। इंडिया भी श्रीलंका में एक पोर्ट बना रहा है, तो आपको ये बताना कि कौन सा पोर्ट है वो इंडिया डेवलप कर रहा है इसमें। तो चलो खैर मैं ही बता देता हूँ, जो त्रिंकोम्बले जो पोर्ट सॉरी ये त्रिंकोम्बले जो पोर्ट है ये इंडिया डेवलप कर रहा है श्रीलंका में, तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना है। चलिए अब देखते हैं आगे क्या है। आगे वो मेरीटाइम सिल्क रूट है, मेरीटाइम सिल्क रूट है जो पुराने टाइम का सिल्क रूट था, ओल्ड सिल्क रूट था, वो चाइना से होके यूरोप जाता था, तो वो उसी का जो नया फॉर्मेट है मतलब जो चाइना गवर्नमेंट है वो लेके आई है, उसे मेरीटाइम सिल्क रूट है जो मतलब सी के रास्ते से जाएगा, तो एशिया से यूरोप को कनेक्ट करने के लिए ये रूट है। तो अभी थोड़ा देखते हैं इसके बारे में, मैपिंग भी देख लेते हैं। ये रहा जो मेरीटाइम सिल्क रूट है वो यहाँ से स्टार्ट होते हुए जो भी साउथ चाइना सी है उसको पास करते हुए और इधर मलक्का जो है वहाँ से पास होते हुए बे ऑफ बंगाल में इधर बांग्लादेश को कनेक्ट करते हुए और इधर श्रीलंका को भी कनेक्ट कर रहा है, और इसमें इंडिया के जो है वो भी इंक्लूड है, बट अभी गवर्नमेंट कुछ कंसर्न वगैरह इश्यू चल रहे हैं, बट ये उनका फॉर्मेट है, ये चाइना गवर्नमेंट ने अपना फॉर्मेट बना रखा कि कैसे क्या करना है। तो यहाँ से ये देखना चाइना को इधर एशिया को ऐसे ऐसे करते हुए और इधर यूरोप के पास कनेक्ट करने की बात है, ये है जो है एक मेरीटाइम रूट है सिल्क रूट है जो भी 21st सेंचुरी की जिसकी बात की गई है। और जो इकोनॉमिक बेल्ट और बना रहा है चाइना, जो चाइना के बीजिंग से लेके और इधर यूरोप में तुर्की तक जा रहा है, हाँ तुर्की तक जा रहा है, तो ये इसका रास्ता है वो मतलब और वाया रोड है, और ये जो मेरीटाइम वाला है ये ओशियन मतलब शिपिंग के थ्रू ये रास्ता है। तो चलिए हमने दोनों डिस्कस कर ली, मैपिंग साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। आगे है साथ में कुछ पीआईबी की न्यूज, पीआईबी की में आज इतना कुछ था नहीं, बस कुछ स्कीम्स वगैरह थी वो चलो डिस्कस कर लेते हैं। पहली स्कीम थी वो थी नई रोशनी स्कीम, नई रोशनी स्कीम है इसमें इंपॉर्टेंट हमको ये देखना कि मिनिस्ट्री कौन सी है, तो मिनिस्ट्री इसकी माइनॉरिटी अफेयर्स की मिनिस्ट्री है, और जो इसका मेन मोटो क्या है, मेन मोटो इसका है कि जो वुमेन्स माइनॉरिटी जो वुमेन्स हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी की उन वुमेन्स में लीडरशिप है वो डेवलप करनी है ताकि वो खुद खुद अपने मतलब अपने पैरों पे खड़ी हो सकें और अपना डेवलपमेंट कर सकें, क्योंकि जब घर में महिला ही काम करती है तो ऑब्वियसली उसका डेवलपमेंट होगा तो फिर बाकी पूरे परिवार का डेवलपमेंट होता है, ऐसा होता है। सॉरी आगे जो दूसरी स्कीम है वो है हमारी धरोहर स्कीम, ये भी माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा ही संचालित माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री द्वारा ही चलित है, और इसका जो मेन मोटो है वो ये है कि जो भी जो जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज होती हैं उनके जो भी धरोहर होती हैं मतलब जो भी इनके कल्चर है उनको सहेज के रखना है और उनको बचाना है,
ये है हमारी दोहरी स्कीम में। अगला है वो है बॉर्डर रोड, वो है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो आप इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, देख के तो ऐसे लग रहा है कि ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्ट सॉरी जो रोड मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत आता है, बट ऐसा नहीं है, ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। और जो भी बॉर्डर के एरिया होते हैं वहाँ पे जैसे रोड डेवलपमेंट का कुछ काम होता है वो इसी के थ्रू किया जाता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। तो ये भी आज थोड़ा पीआईबी में दिया हुआ था तो इसके बारे में डिस्कस किया कि इम्पोर्टेंट ही ये कि जो मिनिस्ट्री है वो डिफेंस मिनिस्ट्री है, इसमें रोड वगैरह कंस्ट्रक्शन वगैरह का इसका काम है मेनली, जो बॉर्डर में और जो बॉर्डर के जितने भी स्टेट है जहाँ पे मतलब डिस्प्यूट वगैरह कुछ भी इश्यू हो उन केसेज उन एरियोज में मेनली यही रोड बनाती है। अगली न्यूज है वो रिलायंस के डिफेंस सेक्टर के बारे में। पिछले साल रिलायंस ने अपने डिफेंस सेक्टर में एग्रीमेंट किया था गवर्नमेंट के साथ, और उसी के बाद उन्होंने रिलायंस डिफेंस एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड एक कंपनी बनाई थी जिसके तहत उन्होंने डिफेंस सेक्टर में मतलब इन्वेस्टमेंट करने की बात की गई थी। तो अभी उन्होंने रिसेंटली दो छोटे पेट्रोलिंग शिप बनाए जिसका नाम है सांची और श्रुति, जो पहली इंडिया की प्राइवेट कंपनी है जिसने अपने दो मतलब शिप बना के और जो ऑफशोर पेट्रोलिंग वगैरह नेवल पेट्रोलिंग उसके लिए मतलब यूज़ करने हैं। तो ये इसमें जो इम्पोर्टेंट हुआ है कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है उसमें पेट्रोलिंग करने के लिए मतलब जो भी कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है उनको रोकने के लिए जो पूरा ध्यान वहाँ पे जो भी कुछ हो रहा हो जैसे कोई टेररिज्म एक्टिविटीज़ आ रही हो या फिर जो भी कोई फिशिंग वगैरह का कुछ इश्यू चल रहा हो जैसे कोई मछुआरा का कुछ नाव वगैरह जो भी हो उसको मतलब पेट्रोलिंग जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वहाँ पे इसका मेन काम है पेट्रोलिंग का। तो ये बस इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि रिलायंस जो डिफेंस की जो इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी है उसने ये किया है प्राइवेट कंपनी का। थैंक यू दोस्तों, आज इतनी न्यूज़ थी, थैंक यू। और जो भी कोई सजेशन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करना।